नमस्कार। तो मेरा गांव मेरा देश है, मैं आपका स्वागत है। मैं आपके साथ काविंद्र चौहान। चुनाव खत्म हो चुके हैं, 10 तारीख को नतीजे आ चुके हैं। कौन जीता कौन हारा आप सबको पता है, बच्चे बच्चे से लेकर बुजुर्ग को पता है कि कौन सी पार्टी ने धमाका किया। लेकिन इसके बाद भी हमारी जो जिम्मेदारी है हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ये कार्यक्रम बदस्तूर जारी है और हम आपको जन जन तक पहुंचाने का, उनकी समस्याओं को आप तक पहुंचाने का लगातार काम कर रहे हैं और लगातार ये कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहेगा, इसी तरह से जारी रहेगा। गांव गांव में क्या क्या हाल है उस हाल को दिखाने की लगातार एक मुनासिब कोशिश हमारी तरफ से जारी रहेगी, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है, पूरी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया टीम का ऐसा मानना है कि छोटे छोटे गाँव से, छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे शहरों से मिलकर ही एक भारत का निर्माण होता है, एक राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए आज एक बार फिर हाजिर हूं मैं लेकर आपके सामने मेरा गाँव मेरा देश है का यूपी एडिशन, और आज जिसमें हम बात करेंगे सुल्तानपुर की, कि सुल्तानपुर ने आखिर क्या किया, सुल्तानपुर ने आखिर क्यों किया और सुल्तानपुर ने आखिर अच्छा किया और कैसा किया, तो अब अगले 5 सालों में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या आगे का प्लान होगा, इन सब पर बात करेंगे। विनोद जी वहां से जीत कर आए हैं बीजेपी के, और फरीद अहमद साहब मेरे साथ मेरे संवाददाता जुड़ेंगे जो आपको ज्यादा जानकारी देंगे कि सुल्तानपुर में जो पूरी जो प्रक्रिया रही चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम जब खुली तो क्या चौंकाने वाले परिणाम आए या फिर जैसा सोचा गया था समझा गया था वैसा ही कुछ देखने को मिला है। फरीद साहब ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि परिणाम तो बिल्कुल चौंकाने वाला ही रहा, क्योंकि जो प्रेडिक्शन हम लोगों की थी, जो एनालिसिस हमारी आपकी बात हुई है, हमने शो में अपने बताया भी था कि समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत कंडीशन में 2-3 सीटों पे दिख रही है। 3 सीटें तो कम से कम हमारा लोगों का आकलन था, 3 सीटें समाजवादी पार्टी को, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आया क्लीन स्वीप करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिख रही थी। लेकिन इसौली एक ऐसी परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी के, जिसपे लगातार समाजवादी पार्टी ने कब्जा अपना बरकरार रखा है। इसमें 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की लहर थी उस वक्त भी वहां से अबरार अहमद अपनी सीट को बचाने में कामयाब हुए थे, और अब की बार अबरार अहमद को रिप्लेस करके ताहिर खान को टिकट दिया गया, वो भी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। सिर्फ 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई, इसौली विधानसभा, गाजीपुर, लंबुआ, सुल्तानपुर और सदर, ये 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। वो कौन सा फैक्टर था फरीद साहब जो सबसे ज्यादा यहाँ पर काम कर गया बीजेपी के लिए? जाहिर सी बात है, जो हमारा एनालिसिस ग्राउंड पे जो हमने देखा, राशन अक्षर और भाषण, भाषण भी अहम है, क्योंकि भाषण राष्ट्रवाद से, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बात करी, शहरों को जोड़ा, शहरी मतदाता राष्ट्र की भावना से, राष्ट्रभक्ति की भावना से जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, और ग्रामीण जनता जो रही वो राशन, कहीं ना कहीं राशन एक इफेक्ट डालता हुआ नजर आया। किस तरह से एक दलित वर्ग और अदर बैकवर्ड क्लास जुड़ता हुआ नजर आया भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो जरूर कहीं ना कहीं राशन वाली जो लगातार हम चुनाव जब वोटिंग चल रही थी तब भी लगातार हम इसी तरह के बात कर रहे थे कि राशन जो होगा वो एक्स फैक्टर साबित हो सकता है, राशन बहुत प्रभावी मुद्दा साबित होगा। हमारे साथ और हमारे साथ एक मेहमान और है हमारे, सर अपना नाम बता दीजिएगा। शकील अहमद। शकील अहमद जी, जानने की कोशिश बस ये करेंगे कि समाजवादी पार्टी की हार के पीछे आप क्या समझते हैं कि रीजन क्या रहा होगा, और बीजेपी की जीत के पीछे रीजन क्या आप अपनी समझ से रखते हैं? सर देखिए, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी में, इस प्रदेश में विकास के फेल चल रहे थे, शिक्षा के फेल चल रहे थे, किसानों के मुद्दे लेकर के भारतीय जनता पार्टी संगीता नहीं थी, बहुत सारे क्या कहते हैं ऐसे मुद्दे, जो पेंशन को लेकर के हम लोग आगे बढ़े थे, बिजली के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े थे, सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और मुझे पूरा विश्वास था कि चुनाव आने वाले 27 तारीख को जो हुआ था, 10 तारीख को जो रिजल्ट आया है उसमें चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, और चुनाव हमारा बड़ी मजबूती से हुआ भी। हमारे प्रत्याशियों ने एक एक विधानसभा में, पिछले विधानसभा 2017 और 12 से ज्यादा वोट पाए, जब उस समय 60 और 65 हजार वोट पाते थे, 90 हजार वोट तक हम लोग पाए, करीब 6% 7% 8% वोट की बढ़ोतरी हमारी हुई। मैं कहीं 1000 वोट से हार गया, कहीं 2000 वोट से हार गया। तो जो अभी जैसा कि आपके संवाददाता फरीद अहमद साहब ने कहा कि वो जो बहुत जिस चीज को हम बहुत संजीदगी से नहीं ले सकते हैं, लाभार्थी वाली जो बात हुई है, क्योंकि देश को मजबूती लाभार्थी से नहीं दिया जा सकता है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, देश को नौकरी देना पड़ेगा, देश को कारोबार देना पड़ेगा, देश के बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, देश को बिजली देनी पड़ेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि
की 200 रुपए का राशन दे करके वोट ले लेना भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत मानती है, मैं इसको उनकी जीत नहीं मानता हूँ। मैं अपनी जीत इसलिए मानता हूँ कि हमने सही मुद्दे उठाए थे और हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, भविष्य में उत्तर प्रदेश हम लोग फिर जीतेंगे, ये हमारा विश्वास। ठीक है, वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन 400 से ज्यादा सीटों की बात थी, अब वोट परसेंटेज बढ़ा है पर आकर अटक गई है। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस जो था वो ले डूबा, या फिर लोग जो है वो ये भी बातें कर रहे हैं कि आक्रामकता जो आपने दिखाई है, जो एग्रेसिवनेस था समाजवादी पार्टी का वोटिंग के दरमियान, तो जनता उसको भांप रही थी। एक तरफ आपके ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर दरअसल एक टैग लगा हुआ है और बीजेपी ने उसको नैरेटिव भी एकदम सही से सेट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी जो है उसमें दरअसल गुंडों की ज्यादा वो है, संख्या है। और इसके बाद जब वोटिंग प्रक्रिया चल रही थी, इस बीच भी आक्रामक बयान आना, साथ ही साथ ऐसे बयान आना कि अधिकारियों को 6 महीने तक रोका जाएगा, रुकिएगा आपसे हिसाब किताब होगा, और हिसाब किताब वाली बात अखिलेश यादव ने भी चुनाव से पहले एक दफा बोली थी, तो ये हिसाब किताब वाली बात को लेकर जनता आशंकित हो गई, लोग ये कह रहे हैं, तो इतनी आक्रामकता ठीक नहीं थी। देखिए ऐसा है कि जो मेरे ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है, मैं इस प्रदेश की जनता से पूछता हूँ, अधिकारी से पूछता हूँ, आप पत्रकार जाने आपसे भी पूछता हूँ कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में बाउंस लिंचिंग हुई, क्या वो सही है? हाथरस की बेटी के साथ जिस तरीके से अन्याय हुआ, क्या वो सही है? क्या जिस तरीके से पुलिस मारे जाते हैं वो, क्या वो सही है? नहीं सर, देखिए, क्या गोरखपुर में जिस तरीके से व्यापारी को मारा गया वो सही है? शकील साहब, मैं तो ये खाली हमारे ऊपर आरोप लगा देना, हमारे सुनिए, एक मिनट सुनिए मेरी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ तक कहा, जो आदमी ये मानता हो कि ये सरकार बहाने वाले दिनों में है और गुंडाई करके हम यहाँ पर रहेंगे, उसका वोट मुझे नहीं चाहिए, तो ये बिल्कुल झूठा आरोप है। रही बात यह है कि किसी व्यक्ति विशेष ने अगर कोई बढ़ के बात बोली है तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं कानून व्यवस्था को हमेशा अच्छा बनाने के लिए, लोगों के विकास के लिए, प्रदेश की व्यवस्था को दुरुस्त करने के पक्ष में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और हम लोग भी हैं। रही बात यह है कि जो आप कहते हैं कि बहुत आगे बढ़ करके बहुत एग्रेसिव थे, ये व्यक्ति विशेष का नेचर होता है, उस पर कोई कमेंट्स नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमको अफसोस इस बात का है कि जिस लखीमपुर में किसानों के ऊपर सरेआम वीडियो चला, गाड़ी चढ़ा दी गई, किसान मर गए, और उसके बावजूद भी चुनाव वहां पर क्यों में हार गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक है। क्या हम बातों को उठाने में कमजोर साबित हुए? ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने बातों को नहीं उठाई, जनता के बीच में हमने चीजों को नहीं कहा लोगों से, हमारा एजेंडा बहुत क्लियर था, हमारे एजेंडे को बहुत काबिल आदमी ने बनाया था। ठीक है शकील साहब, तो हम चीजों को लेकर के आए। अब जनता ने किस मुद्दों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किन लोगों ने कैसे। शकील साहब देखिए, पहले तो बहुत प्रिसाइसली क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि ये डिबेट का मंच है कि मैं आपसे बहस कर रहा हूँ या काउंटर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, चर्चा हो रही है ताकि दर्शक भी उसको समझ सके और फरीद साहब भी अपने अनुभव के हिसाब से समझा सके कि क्या समस्या है। तो समस्या को लेकर हम जब बातचीत कर रहे हैं, जब मैं एग्रेसिवनेस की बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी पार्टी पर ऑलरेडी एक टैग लगाकर बीजेपी इसको सही नैरेटिव सेट कर चुकी है कि हाँ ठीक है ऐसा है, और उसके बाद भी अगर आप बयान दे रहे हैं ए पुलिस अखिलेश यादव अगर कह रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आप समझ नहीं रहे सर, चीज़ें थोड़ी सी सिमटती हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, और जनादेश जो है वो सर्वोपरि है सर। अब आप उसके बाद कुछ भी कहिए कि हम नहीं समझा पाए, एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट। अब सर आप कहेंगे कि जीत ठीक है, अब आप अपनी हार को अगर इस चीज से साफ करने की कोशिश करेंगे कि लखीमपुर खीरी वाला मामला, हाथरस वाला मामला, देखिए क्राइम तो यहां भी होता है, तो सर क्राइम तो हर जगह होता है, जीरो क्राइम रेट कभी नहीं हो सकता, क्राइम बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता सर, ये सिर्फ चेहरे बदल सकता है लेकिन इसको कम किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है सर कि आपकी लड़ाई जो है वो दरअसल किससे है, लड़ाई है आपकी बीजेपी से, भाजपा से, और इस चीज को मानने में सर कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है और इकलौती देश में इस वक्त ऐसी पार्टी है जो कि 365 दिन 365 डेज चुनावी मोड में रहती है सर, 365 दिन पॉलिटिकली एक्टिव रहती है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन चुनाव के परिणाम आ रहे थे उस दिन उत्तर प्रदेश पर केंद्रित थे, तो अगले ही दिन वो केंद्रित थे गुजरात पर, और लगातार 365 दिन आप देखिए, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हर कोई एक्टिव रहता है सर, और जमीन पर इनकी जो आरएसएस, जो इनकी पेरेंट बॉडी है, वो भी जमीन पर लगातार काम कर रही है। इनकी बहुत सारी टुकड़ियां हैं जो हर रोज हर दिन काम करती हैं, लेकिन समस्या ये है कि ऑपोजिशन जो है वो दरअसल वर्क फ्रॉम होम करता है, और फिर अगर आप सोचते हैं कि चुनाव से महज 6 दिन पहले आकर और ताबड़तोड़ भीषण लड़ाई लड़ने से अगर आप जीत जाएंगे
तो ऐसा नहीं लगता सर? सर एक बात मैं बताऊं, दो चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं यहां भी करता हूं तो हो जाता हूं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं रुतवा नहीं होते। अखिलेश जी के इस बयान पर जो है बड़ी चर्चा हो रही है कि उन्होंने आए पुलिस है पुलिस कहा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब हाथरस गए हुए थे और वहां पर लोग अपनी पीड़ा बताना चाह रहे थे तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इसकी चर्चा नहीं हुई, किस लैंग्वेज में कहा, किस भाषा में कहा, क्या बॉडी लैंग्वेज था उनका, क्या भाषा का लैंग्वेज था। केशव प्रसाद मौर्या जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्या जी ने चूंकी और टोपी वालों को किस तरीके से कहा, इस पर चर्चा नहीं हुई, इन चीजों पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब रही बात यह है कि 365 दिन भारतीय जनता पार्टी जो है सर, आप समझ नहीं रहे हैं सर, आप एक स्टैंड ले रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा उस पर आप समझिए, तो सर ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपने आप को नेवला बताया, इनको सांप बताया, आज लोग कह रहे हैं कहाँ है नेवला। चलिए वो गलत है, मैं चर्चा में आना, चर्चा आप ये करना चाहता हूँ कि जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, जो इस समय के प्रधानमंत्री है उन्होंने ये कहा था कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम यहाँ पर डीजल और पेट्रोल इतने दिनों में 100 दिनों में इतना कम कर देंगे। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय पर जो है क्रूड ऑयल का रेट $65 प्रति बैरल था, उससे बढ़ते बढ़ते $114 तक पहुंचा, लेकिन मनमोहन जी ने ₹64 और ₹65 से ऊपर डीजल और ₹73 से ऊपर पेट्रोल नहीं जाने दिया। इत्तेफाक से देखिए आप कि जब हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है तो क्रूड ऑयल का रेट घटता हुआ चला आता है और इन्होंने डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ाना शुरू कर दिया, इस पे जनता क्यों नहीं सोचती है? ठीक है, जो विकास दर हमारी है, चर्चा कर रहा हूँ आपसे, जो विकास दर हमारी है वो अभी दिखावे में -24 है, मैनिपुलेटेड है, वो 40 माइनस में है। ठीक है, ठीक है, जो हमारी GDP है, एक मिनट सुनिए मेरी बात, जो GDP हमारी है वो कितना हमारी क्या कहते हैं गिर गई, पूरे बगल में एक देश है बांग्लादेश, उससे भी नीचे हमारे। ठीक है, एक चौथी बात आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जिस देश के रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में नीचे होती है वहां का नेतृत्व जो है वो गिरा हुआ होता है। ठीक है, आज आप बताइए कि पूरी दुनिया में हमारी क्या कुतु हो रही है, हमारे रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कितनी गिर गई। तो अगर आप धरातल पे चर्चा पे आते हैं तो कोई एक काम आप बताइए, किसी को नौकरी, दो करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सर, आपका पॉइंट मिल गया मुझे सर, समय की बिल्कुल, डायरेक्टर साहब अभी स्क्रीन पर ही रहेंगे, बना हुआ है, नौकरी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बिजली नहीं आ रही है, सड़कें आप आकर के देख लीजिए विधानसभाओं में, गांव में आप जाते होंगे, इतने गड्ढे हैं कि अगर डिलीवरी, ठीक है, हो गया, ठीक है, ठीक है, मैं बस आपसे ये कह रहा था, मैं आपसे ये कह रहा था शकील साहब, फिर फरीद साहब के साथ एक रिमार्क लेकर और क्लोज करेंगे, लेकिन उससे पहले शकील साहब मैं ये कह रहा था कि देखिए दरअसल होता क्या है, हम आम जनता की तरह देखते हैं, आप क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव पर्सन हैं तो आप उस तरह से देखते हैं, दो चश्मे होते हैं, मैं कभी भी किसी को गलत नहीं मानता, हर किसी की अपनी विचारधारा है, अपनी सोच है, आप अगर लेफ्ट की बात करें तो वो भी अपनी विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं, आप राइट वालों की बात करें वो भी, और सेंटर वालों की वो भी, हर कोई अपने हिसाब से काम कर रहा है, हर कोई जनता के हित की सोचता है, देश के हित की सोचता है, मैं कभी नहीं मानता कि कोई भी पॉलिटिकल आइडेंटिटी या कोई भी पॉलिटिकल जो विचारधारा है वो कभी भी देश तोड़ने को या देश को खत्म करने की कोई भी कोशिश या सोचती भी होगी, ऐसा कुछ नहीं, सबको लगता है कि हमारा वाला जो ठीक है उनको लगता है कि उनका वाला ठीक है, सबको अपनी शर्ट जो है वो सफेद लगती है, सामने वाले की काली लगती है, बस इतनी सी फर्क की बात है सर। आप कह रहे हैं महंगाई 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 महंगाई, ये सर आज का नहीं है, 2007 2012 2014 2019 2017 2022, और मैं आपको सच्चाई बता दूं तो 1947 में भी वहां से लेकर आज तक यही महंगाई वाला जो इशू है क्रिएटेड है और आगे भी चलता रहेगा, आपकी सरकार आ जाती तो आपको क्या लगता है कि महंगाई की बात नहीं होती, 2027 में फिर महंगाई पर चुनाव होता, तो महंगाई वाला जो मुद्दा है सर ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता, ये लगातार चलता रहेगा, लेकिन बात ये है कि जनता के दिमाग में आप कौन सी बात पॉइंट करते हैं, जनता किस चीज को लेकर आपसे खुश होती है। जैसे मैं आपको बहुत जमीनी एक बात बता देता हूं सर, आपने GDP को लेकर बहुत बातें की, GDP ये है, GDP इतनी गिर गई उतनी गिर गई, 1971 में आपने बांग्लादेश का क्योंकि जिक्र किया, 1971 में बांग्लादेश पूरी बर्बादी की हालात में था, फेमिनाइन था, लोगों के पास खाने का भोजन नहीं था, रात को लोग भूखे पेट सोते थे, आज उनकी GDP हमसे ज्यादा है और भी कई मामलों में वो हमसे बेहतर है। लेकिन सर एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम GDP की बात करते हैं, GDP गिरी या GDP उठी, लेकिन उस पर यह चीज ध्यान रखनी चाहिए कि गरीब की थाली तक कितना खाना पहुंचा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी अगर मैं उत्तर प्रदेश की आपको बात करूं तो पिछले एक साल डेढ़ साल
आपको कोरोना काल के बाद से अभी तक की बात बता सकता हूं केवल कि गरीब की थाली तक भोजन पहुंचा है, चाहे उस भोजन उस नमक के पैकेट के ऊपर प्रधानमंत्री का फोटो हो या ना हो, लेकिन नमक पहुंच गया, सरसों का तेल पहुंच गया, राशन पहुंच गया, उसी राशन को लेकर जनता ने उनको इनाम दे दिया, प्राइज दे दिया, और उसको मानने में अब कोई सर कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज या कोई गुरज नहीं होना चाहिए। अब आपकी पार्टी, हालांकि आपकी पार्टी समीक्षा करने की पोजीशन में है, आप समीक्षा करिए कि हार हुई तो क्यों हुई, कहां पे कमतर रह गए, लेकिन कांग्रेस के लिए मैं कहता हूं कि अब उनका समीक्षा का वक्त भी चला गया, क्योंकि अब समीक्षा भी कह रही है कि आखिर कब तक हमारी परीक्षा लेंगे। फरीद साहब, लास्ट आप पॉइंट रखिएगा, फिर क्लोज करेंगे सर। जी बिल्कुल, आपकी बात का पूरी तरह मैं इत्तेफाक रखता हूँ। राशन वाला फैक्टर बहुत काम आया है भारतीय पार्टी के, और ये भी बात सही है कि जब जो भी पार्टियां शासन या सत्ता में रही हैं उनके सामने महंगाई को अहम मुद्दा रहा है, उन्होंने भी महंगाई से उतनी लड़ाई लड़ी है जितनी आज भारतीय जनता पार्टी लड़ाई है। वो जनता का प्रमुख मुद्दा है, वो खत्म होने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही हो, उसके सामने भी ये मुद्दे आते रहे। लेकिन ये सही है कि राशन जो डोर स्टेप या ग्रामीणों तक या लोअर तबके तक पहुंचाने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, उसका सीधा सीधा फायदा अब के चुनाव में सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। फरीद साहब, बस समय की कमी के कारण यही रुकेंगे आज, तो सीधा फायदा बीजेपी को मिला है, राशन का मुद्दा है वो बोलकर चला है, जोर से चला है, बाबा का बुलडोजर अब चल चुका है, चल रहा है। तो ऐसे में आज हम कार्यक्रम कर रहे थे सुल्तानपुर से, हम बातचीत कर रहे थे सुल्तानपुर में, जैसा कि फरीद साहब ने बताया कि 5 विधानसभाओं में से 4 में बीजेपी की जीत हुई है और एक सीट ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। तो बीजेपी की जो बंपर जीत चल रही है, इसको लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी विधानसभा में, उनके जिले में कौन सा मुद्दा जो है वो तो सबसे ज्यादा बोलकर चला है, सबसे ज्यादा तीखे अंदाज में चला है। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, शुक्रिया।